आइए, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में, देखें और सीखें द नीटिंग चैनल में। मैं आज आपके लिए बॉर्डर डिज़ाइन लेके आई हूँ, देखें, जो कि इसकी सिलाई आपको टेढ़ी टेढ़ी होगी, यानी तिरछी तिरछी, देख सकते हैं। पिंक में शायद आपको अच्छा सा दिखे ना, ये इसकी सिलाई कुछ ऐसे ऐसे जाएगी, तिरछी तिरछी। दिखाने की कोशिश तो कर रही हूँ, देखिए। तो चलिए इसे बनाते कैसे हैं, पहले मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, मैंने यहाँ 12 फंदे लिए हुए हैं। और आपको जब आप शुरुआत में बुने, तो फंदे लेने के बाद आप एक लाइन, एक सिलाई सीधी बुन लें, एक सिलाई उल्टी बुन लें, उसके बाद आप ये डिज़ाइन डालें। तो डिज़ाइन आपको इस तरह से बनेगा, पहला फंदा आप बुन लें या तो उतार लें, मैं यहाँ बुन ले रही हूँ। पहला फंदा इसे हम बुन लेंगे और इसके बीच में देखिए गैप दिख रही होगी आपको, इस गैप में डालेंगे हम, यहाँ देखिए यहाँ गैप दिख रही है, ये जो गैप दिख रही है इस गैप में हम डालेंगे इसको, इसे हम सीधा बुन लेंगे। और उसके बगल वाला जो फंदा है इसे भी हम उसी के साथ सीधा बुन लेंगे। अब नेक्स्ट में फिर देखिए ये बीच में गैप आया है, यहाँ इस गैप में हम इस तरह से सिलाई को डालेंगे और सीधा बुन लेंगे। और उसके साथ जो ये बगल वाला फंदा है इसे भी हम इसके साथ ही मिला के सीधा बुनाई कर देंगे हम। फिर हम इसी तरह से करेंगे रिपीट, देखिए बीच में यहाँ गैप दिख रही है, इस गैप में हम यहाँ डालेंगे और इसको सीधा बुन लेंगे। उसी के साथ हम ये बगल वाला जो फंदा है इसे भी हम इसी के साथ लेके सीधा बुनाई कर देंगे, देखिए। फिर हमारे बीच में गैप है, देखिए दिख रही होगी, देखिए बीच में गैप दिख रही है, इस गैप में हम डालेंगे इस तरह से सिलाई को और सीधा बुन लेंगे। उसके बगल वाला जो फंदा है इसे भी हम इसी के साथ जोड़ते हुए सीधा बुन लेंगे। फिर से गैप आ गया, देखिए हमारा, इस गैप में हम फिर से इस सिलाई को डालेंगे, सीधा बुनेंगे और बगल वाला जो फंदा है इसे भी हम इसी तरह से सीधा बुनाई कर देंगे। फिर हमारा ये देखिए गैप आ गया है, ये जो गैप दिख रही है इस गैप में हम डालेंगे इस तरह से और इसे सीधा बुनाई कर देंगे। और ये जो बगल वाला फंदा है इसे भी हम सीधा ही बुनाई करेंगे इस तरह से, सॉरी, सीधा बुनाई कर देंगे। फिर देखिए गैप आ गया हमारा, इस गैप में हम डालेंगे इस तरह से सीधा बुनाई करेंगे, उसके साथ ये बगल वाला जो फंदा है इसे भी हम सीधा ही बुन लेंगे। फिर गैप आया, देखिए इस गैप में फिर से डालेंगे हम, फिर सीधा बुनाई करेंगे, उसके बगल वाले फंदे को भी हम एक साथ सिल के बुन लेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाला देखिए है, इसे भी हम इसी तरह से करेंगे, सीधा बुनाई करेंगे, नेक्स्ट वाला फंदा लेंगे और इसे दोनों को एक साथ बुनाई कर देनी है। फिर देखिए यहाँ गैप आया है, इस गैप में फिर से डालेंगे हम इसी तरह से और इसे बुनाई कर लेंगे, और उसके बगल वाला जो फंदा है इसे के साथ जोड़ते हुए हमें इसकी भी बुनाई कर देनी है। अब अंत में आ गए हम, तो इसे हम सीधा ही बुन लेंगे, देखिए इस तरह से तिरछी तिरछी होते हुए आपकी बनती जाएगी ये बॉर्डर। तो चलिए बैक साइड से, ये हमारा फ्रंट साइड था, अब हम बैक पे आ जाते हैं, यानी हम उल्टे साइड आ गए। तो उल्टा साइड हमें क्या करना है, पहला फंदा उतार लें या बुन लें, फिर इस तरह से लेंगे धागा, हमें अब उल्टी साइड इस तरह से नहीं चढ़ाते हुए जाना है, सॉरी इस तरह से नहीं बुनाई करना हमें, इसकी बुनाई हम नीचे की ओर धागा ले जाते हुए इधर से घुमाते हुए अंगूठा की ओर से इस तरह से बुनाई करेंगे। ये पहला फंदा तो हमने बुन लिया, अब दो दो फंदे एक साथ बुनाई करेंगे हम उल्टा। ध्यान रहे धागा हम ऊपर की ओर नहीं लेंगे, धागा को हम इस तरफ से घुमाते हुए ले जाएंगे नीचे की ओर से और इसे उल्टा बुन लेंगे।
फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, धागा नीचे की ओर से घुमाते हुए लेंगे और दो फंदों का एक कर देंगे। फिर नेक्स्ट वाले दो फंदों को एक साथ उल्टा बुनना है, नीचे से फंदे ले सिलाई लेंगे धागा सॉरी, और इसे बुनाई कर देनी है। फिर दो फंदे एक साथ लेंगे हम, धागा नीचे की ओर से ले और दोनों को उल्टा बुन देना है। फिर दो फंदे एक साथ लेंगे हम, धागा इस साइड से लेंगे और दोनों को उल्टा बुन देना है। इसी तरह से रिपीट करते चले जाना है, बस आपका ये बॉर्डर बनती चला जाएगा। दोनों को एक साथ लेंगे हम, दो दो फंदे करके पीछे की ओर से आप घटाते चली जाएं, क्योंकि आगे की ओर से हमारा एक एक फंदा बढ़ते जाता है, इसलिए हम पीछे की ओर से उसे घटा देते हैं। फिर ये दो फंदों को एक साथ, फिर ये दो फंदों को एक साथ, और लास्ट वाला फंदा इसे भी उल्टा ही बुन लेंगे। जब आप इसकी बुनाई करेंगे तो आपके ये जो कोना है इसे आपको ऐसा लगेगा कि तिरछा होते हुए ये निकलता हुआ दिख रहा है, लेकिन जब आप इसकी सिलाई या बुनाई करेंगी तो ये एडजस्ट हो जाएगा। देखिए फिर इस तरह से ये आ जाएगा, ऐसे आपको कोना निकला हुआ दिखेगा। तो चलिए ये डिज़ाइन बनाइए, बताइए हमें कि कैसा लगा कमेंट में, फिर मैं कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ आपके सामने। थैंक यू।